प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज पालक पुलाव बनाएंगे। पालक पुलाव बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, एक जुड़ी पालक को साफ करके धो के लिया है, चावल 2 कप चावल ले रही हूँ, ऑयल, टमाटर काट के लिया है, नारियल, तेज पत्ता, दालचीनी, लवंग, एक इलायची, अदरक, मिर्ची, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक, अभी एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के पालक डाल रही हूँ। ये 5 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। अभी एक मिक्सी जार में नारियल डाल रही हूँ, इसको ऐसा पेस्ट कर लेंगे। देखिए, नारियल पेस्ट करके निकाला है। अभी पालक पक गया है, इसको ठंडा करके मिक्सी में डाल रही हूँ। ये भी नाइस पेस्ट कर लेंगे। देखिए कितना ग्रीन, कितना अच्छा पालक। अभी कुकर में ऑयल डाल रही हूँ, दालचीनी, लवंग, इलायची डाल रही हूँ, मिर्ची, अदरक, तेज पत्ता, मिक्सी किया हुआ पालक डाल रही हूँ, टमाटर, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, इसको भी अच्छा मिक्स कर लेंगे। नारियल जो पीस के रखा था ना, वो भी इसमें डाल रही हूँ। चावल डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक, वन इज टू टू पानी डाल रही हूँ। अभी कुकर ढक के 2 विशल लेने से पालक पुलाव रेडी हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर पालक पुलाव रेडी हो गया है। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। पालक पुलाव रेडी।